भारतीय सेना अब तालिबान रजीम के सोल्जर्स को भी ट्रेन कर सकती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के दिमाग के अंदर क्या स्ट्रेटेजी बन रही है ये किसी के लिए भी उसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। मई 27 को तकरीबन आज से एक हफ्ते पहले अजीत डोवाल साहब तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे गए थे, जहां पर तजिकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ एक मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। उससे पहले भारत ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिसिन तो भेजी थी, लेकिन तालिबान रजीम के साथ आधिकारिक तौर पर कोई भी बातचीत अभी तक नहीं शुरू हुई थी। लेकिन उस समिट में अजीत डोवाल साहब की एक स्टेटमेंट ने बैठक में मौजूद बाकी सभी देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को चौंका दिया था। अजीत डोवाल साहब ने दुशांबे में बोला था कि अब हमें अफगानिस्तान की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहांस करने के ऊपर जोर देना होगा, क्योंकि वहां पर कई सारे आतंकी हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान आज के समय तालिबान रजीम के अंडर है। ऐसे में अफगानिस्तान की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को एनहांस करने का मतलब है तालिबान रजीम को और भी ज्यादा हथियार प्रोवाइड करके मजबूत करना। और ये तो हम देख ही रहे हैं कि तालिबान रजीम और पाकिस्तान के संबंध भी अब इतने खास नहीं रहे जितना पहला हुआ करते थे। ड्यूरेंट लाइन को लेकर दोनों के बीच मतभेद ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और बात बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग तक पहुंच गई है, जिसमें तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के सोल्जर्स की जान जा चुकी है। ऐसे में तालिबान की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को एनहांस करना तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ भी स्ट्रांग बनाएगा। अजीत डोवाल साहब की स्टेटमेंट के ठीक 5 दिनों के बाद दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये रही कि भारत ने पहली बार अपने डिप्लोमेट्स का एक डेलीगेशन अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के लीडर से मिलने के लिए भेजा। मीटिंग के दौरान तालिबान रजीम ने भारत से रिक्वेस्ट करके कहा कि भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को दोबारा से रीओपन करे और पहले की तरह अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में उनकी सहायता करे। तालिबान चाहता है कि भारतीय सरकार जिस तरह से पिछली अफगानिस्तान की सरकारों के दौरान अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करती थी उसी तरह से दोबारा शुरू किया जाए। तालिबान रजीम आने से पहले भारत अफगानिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के जवानों और ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया करता था, जिसके लिए अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स भारत आया करते थे। और अब तालिबान रजीम ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए उनको भारत भेजने की इच्छा जताई है। दरअसल अफगान तालिबान का नया डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब भारत के एक मीडिया हाउस CNN न्यूज 18 को इंटरव्यू दे रहा था। इसी इंटरव्यू में उसने कहा कि तालिबान अपने सोल्जर्स को भारत में ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें उनको कोई भी समस्या नजर नहीं आती है, बल्कि से भारत और अफगानिस्तान के संबंध और भी मजबूत होने की जमीन तैयार होगी। उसने कहा कि इससे तालिबान को कोई आपत्ति नहीं है अगर भारतीय सेना उनके सोल्जर्स को ट्रेन करती है। अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो तालिबान रजीम के टेक ओवर से पहले भारतीय सेना से भारत में ट्रेनिंग ले रहे थे वो बाद में भारत में रुक गए थे। उनको भी संदेश देते हुए मुल्ला याकूब ने बोला कि वो सारे अफगान सोल्जर्स अफगानिस्तान वापस आ जाएं। किसी को भी पीछे छोड़ देना अफगानों के ट्रेडिशन यानी अफगानों की परंपरा में नहीं है। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब की बात करें तो वो तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा है, जिसने अफगान तालिबान खड़ी की थी। उसी मुल्ला उमर ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करने का प्लान तैयार किया था, यानी मास्टरमाइंड था। नेपाल के काठमांडू से फ्लाइट सीधा न्यू दिल्ली आनी थी, लेकिन प्लेन को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया, जिसके बदले में भारतीय सरकार को मौलाना मसूद अजहर और बाकी 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। आज उसी मुल्ला उमर का बेटा अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। खैर, ये फैसला तो सरकार और देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि नई तालिबान रजीम के सोल्जर्स को क्या भारत को ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।